आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनने वाली एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। के लिए मैंने ये 5 ब्रेड ली है। ब्रेड को इसके किनारे इस तरीके से काट के अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने उसका ब्राउन पार्ट अलग कर लिया है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में काटेंगे। आप चाहे तो इसे सर्कल शेप में भी काट सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, गैस पे रखेंगे बर्तन और उसमें मैंने ये दूध लिया है, करीब 1 गिलास है। बस हम इसे उबाल आने देंगे। इसके लिए मैं कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए लिया है 1 बाउल। ये 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, उसे घोल लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। ये कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स करने से दूध का कलर भी बहुत ही अच्छा येल्लो येल्लो हो जाएगा और इससे उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इससे हमारी ब्रेड की मिठाई बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड है तो मिठाई का फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। बस इस तरीके से घोल लेना है। बस इसमें धीरे धीरे मिक्स करते जाएं और इसे चलाते जाएं। कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने से दूध फटाफट गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार चीनी। चीनी थोड़ी कम ही लें बस, और इसे गाढ़ा होने तक उबाल लें। ये फटाफट से उबल के गाढ़ा हो गया है। बस हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हम सैंडविच बना लेते हैं ब्रेड से। 1 बाउल लिए हैं, उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर है और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, और ये दूध की फ्रेश मलाई है। इसमें फ्रेश मलाई डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल मावे की तरह आएगा। बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मलाई और यूज कर रही हूँ, ये इस तरीके से इसके ऊपर लगा के दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे और ऐसे सैंडविच तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सैंडविच तैयार कर लिए हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसमें दूध पाउडर, चीनी और मलाई का यूज़ किया है। तो ये बच्चों को अगर आप ऐसे भी खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये दूध भी ठंडा हो गया है, ब्रेड की मिठाई है फटाफट से बनके तैयार हो गई है। डालेंगे ऊपर से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।